हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि आज आपके इस ब्लॉग में आपको निकिता नहीं दिख रही होगी। उसका कारण ये है कि आज है 1 फरवरी, कल है 2 फरवरी और कल है निकिता का बर्थडे। उसका बर्थडे मैं सरप्राइजली प्लान कर रहा हूँ। मैंने अपने कुछ फ्रेंड को इन्वाइट भी किया है उसको सरप्राइज देने के लिए, और अभी मैं चाह रहा हूँ मार्केट बर्थडे के लिए कुछ सामान ऑर्डर करने के लिए और ख़रीदने के लिए, जैसे कि केक का ऑर्डर देना है, कुछ डेकोरेशन के सामान खरीदने हैं। तो अभी मैं चलता हूँ सामान देखने के लिए और ख़रीदने के लिए। तो आप भी मेरे साथ चलिए और मैं दिखाता हूँ आगे क्या क्या करते हैं हम लोग इस ब्लॉग में। चलिए तो अब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं स्टोर की ओर। तो रात का वेदर बहुत अच्छा है, धूप निकला हुआ है इसलिए थोड़ी ठंड भी कम है। तो अभी ड्राइव करने में भी अच्छा लग रहा है मुझे। टेम्परेचर करीब 15 या 16 डिग्री सेल्सियस होगा, तो मौसम भी काफ़ी सुहाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम स्टोर पहुंच चुके हैं। अब हम स्टोर के अंदर जाएंगे, अपना केक सिलेक्ट करेंगे और केक का ऑर्डर देंगे। तो चलिए देखते हैं। डिज़ाइन अवेलेबल है, उस डिज़ाइन को ढूंढ करके फिर इन लोगों से बात करके फिर मुझे उसके का ऑर्डर देना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा डिज़ाइन अवेलेबल है। ये तो फ्लोर केक है, सेट करना है समवेयर। अब केक का डिज़ाइन कैसा है, कैसा लुक एंड फील है और कहाँ पे ये सैंडल सेट होने के बाद कैसा दिखता है, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी खरीदारी करते हैं। मैंने एक ये ग्लिटरी वाला कैंडल भी ख़रीदा है जिसमें ये ग्लिटर लगा हुआ है, ये कैंडल भी एक अभी लिया है हमने। चलिए अब और भी चीज़ें धीरे धीरे हम शॉपिंग करते हैं। अब हम आ गए हैं कुछ डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। कुछ हमें यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ डेकोरेशन का बहुत सारा सामान है, तो कुछ यहाँ पर डेकोरेशन का सामान लेंगे, कुछ बलून लेंगे, कुछ हीलियम बलून लेंगे, कुछ नॉर्मल जो हम फूक के फुलाते हैं उस टाइप के कुछ बलून लेंगे, जिससे कि डेकोरेशन थोड़ा अच्छा लगे और हैपनिंग लगे। तभी जाके देखते हैं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि कौन सा हीलियम बलून है, किस टाइप के। जैसे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, मेरा प्लान है कि मैं एक हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ बलून लूँ और एक रेड कलर का हार्ट शेप में जो हीलियम बलून आता है वो एक मैं लूँ। तो मैं अभी देखता हूँ कि स्टोर में क्या क्या कौन कौन से बलून अवेलेबल हैं और हुक के फुलाने वाले भी, उसमें बड़े साइज के मुझे बलून लेने हैं। हम जा कर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। चलिए, अभी वैलेंटाइन का टाइम है, यहाँ वैलेंटाइन के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, हार्ट शेप चॉकलेट। हैप्पी वैलेंटाइन डे, और मैं फ्यूचर में
हैप्पी वैलेंटाइन पे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे जो आपके पास शेयर करेंगे। तो अभी जितने भी आप स्टोर पे यहाँ जाओगे सब में वैलेंटाइन का उधम मचा हुआ है, टैडी चॉकलेट बहुत सारी चीज़ें मिली हैं वैलेंटाइन के। बट हमें तो बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हम बर्थडे से रिलेटेड स्टफ देख रहे हैं अभी। जिसको कार्ड भी बहुत पसंद है निकिता को, मैं यहाँ कार्ड सेक्शन में आया हूँ और वाइफ का बर्थडे कार्ड में ढूंढ रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी कुछ कार्ड शॉर्ट किए हैं, अब इसी में से कोई एक मैं हैप्पी बर्थडे कार्ड भी लूँगा उसके लिए। तो होप सो आई विल गो विथ एनी वन ऑफ द दीज कार्ड। तो मैं कार्ड लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो कार्ड वो जरिया है जिससे आप किसी को कोई स्पेशल मैसेज दे सकते हैं, आप उसको स्पेशल फील करा सकते हैं। ये भी एक अच्छा वे है एक्सप्रेस योर इमोशंस। इसी के लिए मैं कार्ड भी ले रहा हूँ जो उसको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैं लेता हूँ कार्ड। मैम आई नीड 4 बलून, वन दिस वन। ये सब बलून के नंबर हैं जो आप जिसमें लिखा लूँ हीलियम बैलून है, सबके नंबर हैं। No, it's the same number, it's just they changed it. Okay. So, is that one okay? Okay, ma'am, yeah. Okay, and what else? 347. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सब चीज़ ले लिया है। अब मुझे इसे सीक्रेटली छुपा के कल तक के लिए रखना है किसी घर के कोने में जिससे निकिता देख ना पाए, और धीरे धीरे मुझे डेकोरेशन करना है और उस पर ज़बरदस्त बुल आउट सरप्राइज देना है एज अ बर्थडे ब्लास्ट। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर कहाँ 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 केक ले सकते हैं हम, कहाँ ये बैलून ले सकते हैं, क्या क्या डेकोरेशन स्टफ आप ले सकते हैं, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट बर्थडे मटेरियल परचेज का एक टूर मैंने ऑलमोस्ट करा ही दिया है। बट ये मेरा सरप्राइज प्लान है, तो मैं जाके इस स्टफ को आराम से रखूँगा कहीं पर, और फिर कल आगे मैं दूसरे वीडियो में आप देखें हमने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया। और इसी के साथ हम आज का अपना ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।